वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि सर्दियां चालू हो गई हैं और आलू गोभी की सब्जी जो है ना सर्दियों में बहुत खाया जाता है, तो मैंने फूल गोभी की सब्जी कुछ नए तरीके से बनाई है। आप लोग इन सर्दियों में ज़रूर से इस तरह से बनाएं। आप इसको रोटी के साथ, चाहे चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फूल गोभी की इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इस पर मैं देखिए फूल गोभी ले लूँगी और इसको हल्का सा फ्राई कर दूँगी। तो अगर हम सब्जियों को हल्का सा पहले फ्राई कर देते हैं ना, तो बाद में सब्जी पक भी जल्दी जाती हैं और टेस्ट भी इसका बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो हल्का सा गोल्डन कलर होने तक हम इसको भून लेंगे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक हम फूल गोभी को भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। अब जो ऑयल बचा था उस पर मैंने देखिए आलू इस तरह से काट दिए हैं और आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा देर हम इसको भी नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दिया है ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। ये देखिए, तो इसका भी हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको मैंने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सेम कढ़ाई में उस ऑयल में हम थोड़ा सा और ऑयल मिला के ये डाल दिया मैंने 5 फूरन। अब यहाँ पे जाएगा 2 से 3 लौंग है और 2-3 काली मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दिया है, 2 तेज पत्ता है, जो भी खड़ा मसाला आपके पास है ना आप उसको डाल सकते हैं। तो यही खड़े मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा हम डाल देंगे हींग, हींग से जो है अच्छा फ्लेवर भी अच्छा आता है और टेस्टी लगता है खाने में। फिर हमने देखिए 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसको मैं इस पर डाल दूंगी। अब सिंपली हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेना है। और जितने अच्छे से हमारी सब्जी के मसाले पकेंगे, प्याज टमाटर गलेंगे ना, उतनी ही टेस्टी हमारी सब्जी बनती है। तो हमने जो है प्याज को अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भून लेना है। थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी ताकि जल्दी से पक जाए। तो ये देखिए इसका कलर जो है ना अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने दरदरा सा कूट लिया है उसको मैं इसमें डाल रही हूँ, लहसुन और अदरक को, और इसको भी हम हल्का सा भून देंगे। जैसे ही इसका स्मेल आने लगे, कच्चापन निकल जाए, तो हम तुरंत ही इसमें डाल देंगे 2 टमाटर मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप लोग चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से फिर इसका जो हल्का सा ग्रेवी मैं इसका बना रही हूँ तो ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो आप नॉर्मल टमाटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर का पूरा पानी ना निकल जाए। ये देखिए टमाटर का पानी सूख चुका है और अच्छे से ये भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूंगी नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है, तो उस हिसाब से आप डाल लीजिए। और उसके बाद इसमें जाएगा देखिए धनिया पाउडर और ये है जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और आपको जो भी मसाले खाने में अच्छे लगते हैं आप उसमें कोई भी फ्लेवर का आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें टर्मरिक पाउडर जाएगा और लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर इसमें लास्ट में मैं डाल दूंगी। तो जो भी बेसिक मसाले हैं वही मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब। और अब हम इसको हल्का सा मिक्स दे देंगे। ये देखिए इस तरह से टमाटर प्याज तो पहले से पका हुआ है, तो हम लोग हल्का सा गर्म पानी करके थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि जो हमारे मसाले मैंने अभी ऐड किए हैं ना वो जल ना जाए। पानी डालने से क्या होगा कि मसाले पक भी अच्छे से जाएंगे और वो जलेंगे भी नहीं। तो हल्का सा पानी डाल के मैं इसको फिर से इस तरह से पका लूँगी। तो हमारे मसाले देखिए पक चुके हैं, टमाटर प्याज भी अच्छे से रेडी पका हुआ है। तो फ्राई किया हुआ फूल गोभी और आलू मैं इसमें डाल दूँगी। अब हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आलू को गोभी को पहले से हल्का हल्का फ्राई किया हुआ है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने में। इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे मसालों की कोटिंग, ताकि इसमें से अच्छे से आ जाए। और इस स्टेज में आपको जितना इसमें पानी चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो आप बिल्कुल पानी मत डालिए, इसको इसी स्टेज पे छोड़ दीजिए। और हल्का सा अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो हल्का सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारी सब्जी जो है ना 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसको पकने के लिए छोड़ा हुआ था और हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल के इसका ग्रेवी बढ़ाया था, क्योंकि हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मेरे को ग्रेवी चाहिए था, ज़्यादा भी नहीं और बिल्कुल सूखी भी नहीं। तो हमारी जो सब्जी है ना बनके रेडी है। और लास्ट में हम इसको धनिया से या फिर प्याज के पत्तों से किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, या कसूरी मेथी से हम इसको गार्निश कर सकते हैं।
तो हमारी जो सब्जी है ना आलू गोभी की बनके रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए और इन सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए। काफ़ी टेस्टी बनती है। एक बार आप इस तरीके से आलू गोभी की सब्जी को ज़रूर से ट्राई करिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी को बाय बाय।